हेलो गाइस, वेलकम टू H2O, द ए टू जेड ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख ले हो। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की ऑन द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहां पे हमने सीखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम है वो हमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। हमने उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम्स की अंडरस्टैंड किया कि जो डिफरेंट पार्ट्स है वो क्या मीन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्ड रूट, जिससे हमें पता लगता है कि पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट वर्ड रूट के बाद हम लगाते हैं सफिक्स। सफिक्स में आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा नेचर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, और सेकेंडरी सफिक्स इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट तो हमें सेकेंडरी सफिक्स उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। फिर आ गया वर्ड रूट से पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं इन केस उस कंपाउंड के अंदर कुछ साइड चेन्स प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमें वो प्रीफिक्स बताता है। तो विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन आज हम शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड मोर स्पेसिफिकली अबाउट द एल्केन्स। तो शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन पहले हाइड्रोकार्बन्स की, सो दैट कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि हम इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे हम उनकी नेमिंग करेंगे, राइट? और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वेल, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। और हम हमेशा हाइड्रोकार्बन्स की ही नोमेनक्लेचर से शुरू करते हैं क्योंकि दे विल बी द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स। तो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स, इनको हमने आगे फर्दर क्लासिफाई किया दो पार्ट्स में, ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स। तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही क्लासिफिकेशन है जैसे कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया था जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर रहे थे, राइट? सो आई होप दिस विल बी क्लियर फॉर यू कि ए साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें पहला और लास्ट जो कार्बन होता है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जॉइंट नहीं होते, जबकि साइक्लिक कंपाउंड्स में पहला और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होंगे, ये एक रिंग फॉर्म कर देंगे, राइट? उसके बाद हमने साइक्लिक कंपाउंड्स में आगे फर्दर स्टडी किया था दो तरह के, एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ओपन चेन कंपाउंड्स के सिमिलर होती हैं, और इसको एलीसाइक्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, रिंग कंपाउंड्स है, और एली हमने वर्ड ऐड किया है यहां से जहां पे ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है? तो एलिफैटिक का एली प्लस साइक्लिक, तो दो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओपन चेन एलिफैटिक कंपाउंड से सिमिलर होगी, और एरोमेटिक कंपाउंड्स दे हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द ओपन चेन कंपाउंड्स, और इनमें जो प्रिंसिपल हाइड्रोकार्बन होगा दैट विल बी द बेंजीन। आई होप आपको ये सब कुछ पिछले लेक्चर से बिल्कुल क्लियर है। अब हम जब ओपन चेन कंपाउंड्स को आगे फर्दर स्टडी करते हैं तो ये हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहां पे हमारे पास सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स होंगे, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन में देयर विल बी ऑलवेज अ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्केन्स। और नेक्स्ट इसको हम आगे डिवाइड करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो दैट विल बी एल्कीन, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दैट विल बी एल्काइन। और एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, राइट? So I hope this is clear. Similarly, हम जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी देखेंगे तो इनको भी हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में ब्रेक कर सकते हैं। सैचुरेटेड होंगे जहां पे सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो दैट विल बी साइक्लो एल्केन्स, अगर अनसैचुरेटेड होंगे तो साइक्लो एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्काइन्स। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इनको क्लासिफाई करेंगे, बट इसको हम अभी थोड़ा सा फर्दर ऑन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज एल्केन्स से।
नॉमनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, और दैट ऑल्सो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड्स की, हम क्लोज चेन कंपाउंड साइक्लो एल्केन्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेट चेन से शुरू करेंगे सो दैट कि आपको सिंपल स्ट्रक्चर्स पहले इजीली समझ में आ जाएंगे, तो फिर आगे फर्दर ऑन लेक्चर्स में हम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पे मूव करेंगे। तो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल आपने मिथेन मॉलिक्यूल स्टडी किया, उसका फॉर्मूला है CH4 विच इज एन एल्केन, और इनफैक्ट वो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है। तो उसमें कार्बन का नंबर है 1, तो कार्बन अगर हम 1 करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा 4, तो CH4। ऐसे ही अगर n की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा दैट विल बी C2H6, और उससे आगे C3H8 एंड सो ऑन। So, ये हमारे पास आएगा नॉमनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। अब हमें करना है तो उसमें उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, और उसके बाद हमारे पास है ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो कार्बन एटम है वो एट द मैक्सिमम सिर्फ 2 कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो अगर हम ये वाला कार्बन देखते हैं, इधर एक इधर एक, ये वाला देखते हैं तो सिर्फ एक, और अगर हम मिथेन का मॉलिक्यूल लेते हैं तो कोई भी नहीं, राइट। तो मिथेन में कोई भी कार्बन और नहीं होता, तो सिर्फ एक ही कार्बन है, वो भी एक एल्केन है, फर्स्ट एल्केन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एल्केन आ जाएगा जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स होंगे, और उसके बाद 3 फिर 4, मगर एट द मैक्सिमम एक कार्बन सिर्फ 2 कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन हो सकता है इन अ स्ट्रेट चेन एल्केन। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे ब्रांच चेन, तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है कोई भी एक कार्बन एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स के साथ जॉइंट होगा, तो वो हमारे पास बन जाएगा एक ब्रांच चेन एल्केन। जैसे कि आप ये कार्बन देख सकते हो, दिस इज जॉइंट टू 3 कार्बन एटम्स, 1, 2 एंड 3। सिमिलरली ये वाला भी 1, 2 एंड 3, तो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स को ज्वाइन होंगे तो हमारे पास ब्रांच चेन एल्केन्स बनेंगे। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं नॉमनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स। स्ट्रेट चेन एल्केन्स का जो नॉमनक्लेचर है वो सबसे इजी नॉमनक्लेचर है। क्यों सबसे इजी है, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक ही चेन है, एक ही चेन में कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं और वो सारे भी सिंगल बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं। सो दीज आर गोइंग टू बी द सिंपलेस्ट नेम्स। और इनके नेम्स हम कैसे लिखेंगे, हम काउंट करेंगे चेन के अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक वर्ड रूट असाइन करेंगे और वर्ड रूट के पीछे हमें एक सफिक्स लगाना है। और अगेन अब यहाँ पे जो सफिक्स है वो सिर्फ एक प्राइमरी सफिक्स होगा, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स इज फॉर द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई होगा नहीं, राइट। तो सफिक्स क्या होगा यहाँ पे, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स कौन सा होता है जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, एन। तो वर्ड रूट एंड एन विल गिव अस द नेम ऑफ द स्ट्रेट चेन एल्केन। प्रीफिक्स भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास साइड चेन्स कोई नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स कोई नहीं है। और यहाँ पे जो पहले 4 मेंबर्स हैं एल्केन्स के, दैट इज CH4 to C4H10, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर कॉमन नेम्स, और बाकी सब ग्रीक न्यूमरल्स है, जैसे कि पेंट है, हेक्स है, सेप्ट है, तो ये सब ग्रीक न्यूमरल से आते हैं। पहले 4 के लिए हम उनके कॉमन नेम्स के से ही वर्ड रूट को निकालते हैं, राइट। तो वर्ड रूट्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो जल्दी से हम इसका एक चार्ट देखते हैं फॉर द नेम्स। तो जब एक कार्बन होता है तो वर्ड रूट क्या होता है, मेथ, मेथ के पीछे एन लगाया तो मीथेन। जब 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा तो ईथ, ईथ के पीछे एन, इथेन। C3H8 प्रोप प्लस एन इज प्रोपेन। C4H10 ब्यूट प्लस एन इज ब्यूटेन। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स ग्रीक न्यूमरल शुरू हो जाते हैं, पेंट, हेक्स, जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हो तो जल्दी से कर देते हैं। C5 वाला पेंटेन, फिर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एन, टेकेन। जहां पे 20 कार्बन होंगे दैट इज आइकोसेन, एंड जहां पे 30 होंगे ट्राई एकॉन्टेन, राइट। सो आई होप इस इज इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ वर्ड रूट आपको मालूम हो तो आपका काम हो गया। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कि जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स हैं उनके जो कॉमन नेम्स हैं और IUPAC नेम्स हैं दोनों सेम हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि कॉमन नेम्स में हम प्रीफिक्स लगा देते हैं विच स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ये प्रीफिक्स है एन। सो एन
ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, ये इनके कॉमन नेम्स होंगे। और जहां पे हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है तो वो सिंपली ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी हम इसको कॉमन नेम में एन यहाँ पे डाल रहे हैं, तो एन के अलावा भी कोई नेम्स हैं, उन सबको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे इन दिस लेक्चर ओनली। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो स्ट्रेट चेन अल्केन्स की नेमिंग बहुत इजी है। अब उसके बाद हमें स्ट्रेट चेन के बाद क्या सीखना है, ब्रांच चेन अल्केन्स का नोमेनक्लेचर। बट बिफोर दैट आपको कुछ और टर्म्स हैं जो कि अंडरस्टैंड करनी है, और वंस वो आपको टर्म्स इजी हैं तो आपके लिए जो नेमिंग होगा फॉर ब्रांच चेन अल्केन्स दैट विल बी इजी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम उन टर्म्स को सीखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांच चेन एल्केन्स का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। और अब ये टर्म्स क्या है, हम सबसे पहले सीखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन द एल्केन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना ये। ऑलराइट, तो सबसे पहले है हमारे पास प्राइमरी कार्बन एटम। अब प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, दिस इज द कार्बन एटम विच इज अटैच टू वन और नो अदर कार्बन एटम। अब नो अदर कार्बन एटम से अटैच सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो है मिथेन मॉलिक्यूल, जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है और वो किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। राइट, तो मिथेन के अंदर जो कार्बन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम, और उसको हम डेजिग्नेट कहते हैं 1 डिग्री से। ओके, और अब वन मोर कार्बन एटम वाला भी प्राइमरी होता है, तो उसको आप यहां पे इस एग्जांपल में देख सकते हो। ये है हमारे पास एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है जिसके अंदर चार कार्बन एटम है, चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और बाकी के वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब ये वाला देखो आप 1 डिग्री लिखा हुआ है, इधर ये वाला भी 1 डिग्री लिखा हुआ है। इस कार्बन को देखो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ, तो हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा होता है, विच इज अटैच टू वन और नो अदर कार्बन एटम। नो अदर वाला मिथेन और वन वाला जिसको सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा वाला कार्बन पे आप क्या देख रहे हो, 2 डिग्री लिखा हुआ, तो 2 डिग्री का क्या मीनिंग हो जाएगा, जो दो और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। इजी आई थिंक, तो हम ये इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम विच इज अटैच टू 2 कार्बन एटम्स ऑन डिफरेंट साइड्स, और डेजिग्नेट करते हैं हम उसको 2 डिग्री से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्शरी कार्बन एटम। अब टर्शरी कार्बन एटम को हम डेजिग्नेट करेंगे 3 डिग्री से, एंड दिस इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटेन। अब इसको आइसोब्यूटेन क्यों कहते हैं, इसको एन ब्यूटेन क्यों कहते हैं, दैट इज ऑल्सो वट वी हैव टू अंडरस्टैंड, मगर पहले ये सीख लेते हैं कि कार्बन एटम्स क्या है। राइट, तो ये वाला कार्बन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन। ये वाला 1 से गिना हुआ है तो 1 डिग्री, ये वाला भी 1 एटम से जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वार्टनरी कार्बन। तो ये अब आई थिंक आपको समझ में आ गया, क्वार्टनरी स्टैंड्स फॉर 4, तो जो कार्बन 4 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे क्वार्टनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। राइट, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है नियोपेंटेन मॉलिक्यूल का, जिसमें ये सेंटर वाला कार्बन 4 एटम्स ऑफ कार्बन से जुड़ा है, इसको हम बोलेंगे क्वार्टनरी कार्बन। अब सिमिलरली हमारे पास ऐसे ही हाइड्रोजन एटम्स हैं, जो हाइड्रोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा वो सेकेंडरी, और जो टर्शरी से जुड़ा होगा वो टर्शरी। क्वार्टनरी हाइड्रोजन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब कार्बन के 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिए तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट होगी, वो और बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर सकता, तो हाइड्रोजन और के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा। राइट, तो हमारे पास ये वाले 3 हाइड्रोजन, जो ये वाले कार्बन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े हैं, ये तीनों हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये ऊपर एक नीचे, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो है सेकेंडरी हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कौन सा कार्बन हाइड्रोजन हो गया, टर्शरी हाइड्रोजन। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। प्राइमरी कार्बन जो 1 कार्बन या 0 कार्बन के साथ जुड़ा हो, सेकेंडरी जो 2 के साथ, टर्शरी 3 के साथ, क्वार्टनरी 4 के साथ, और कॉरेस्पॉन्डिंगली उनके हाइड्रोजन एटम्स। राइट,
नेक्स्ट जो अब आपको अंडरस्टैंड करना है नॉमनक्लेचर, दैट इज फॉर द अल्काइल ग्रुप्स. अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, और इनको हम कैसे ऑप्टेन करते हैं, हम उनको ऑप्टेन करते हैं एल्केन से. एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2n+1, जो कि है अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ. ठीक है, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, अदरवाइज हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे. तो अल्केन के लिए हमारे पास आर बॉन्डेड विद एच हो जाएगा और ये हमारे पास आर डैश हो जाएगा. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. अब डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स देखते हैं. तो ये हमारे पास है सबसे पहला वाला, जहां पे हमने N को 1 पुट किया. तो N को 1 पुट करेंगे तो अल्काइल रेडिकल विल बी कमिंग अप एज CH3. अब इस CH3 में एक और एच ऐड करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन मिल जाएगा, दैट इज मीथेन. और इसके वाले का रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल रेडिकल. तो हमने क्या किया, यहाँ पे वर्ड रूट को सेम रख के N हटा के पीछे YL लगा दिया एज द सफिक्स. सो दिस इज वर्ड रूट प्लस वाई एल एज द सफिक्स फॉर द अल्काइल रेडिकल. सिमिलरली अब C2H5 है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा, C2H6, दैट इज ईथेन. और इसका अपना नाम क्या हो जाएगा, ईथ प्लस वाई एल, दैट इज इथाइल. C3H7 कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन इज प्रोपेन एंड द नेम ऑफ द रेडिकल इज प्रोपाइल रेडिकल. C4H9 इज ब्यूटेन, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन इज C4H10, दैट इज ब्यूटेन एंड द नेम ऑफ द रेडिकल इज ब्यूटाइल रेडिकल. ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया. अब नेक्स्ट अंडरस्टैंड करें, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए. हम अल्काइल रेडिकल्स को कैसे ऑप्टेन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीजें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नेमिंग ये, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोपेन का. इसमें प्रोपेन के अंदर क्या हुआ, तीन कार्बन एटम्स हो गए. तीन कार्बन एटम्स को हमने ऐसे लिखा, उनके अंदर ये वाला जो कार्बन होगा दैट विल बी अ प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंड वाला सेकेंडरी कार्बन, ये वाला प्राइमरी कार्बन. तो इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन, इस वाले के साथ भी जो हाइड्रोजन जुड़े हैं दे आर ऑल्सो प्राइमरी हाइड्रोजन, और बीच वाले ये दो दे आर गोइंग टू बी सेकेंडरी हाइड्रोजन. ठीक है, अब इसमें से जब हम एक प्राइमरी हाइड्रोजन को निकालेंगे, क्योंकि अल्काइल रेडिकल बनाना है तो अल्केन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकालना है. तो जब प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे, इन तीनों में से कोई या इन तीनों में से कोई, तो हमारे पास जो रेडिकल आएगा दैट विल बी वन प्रोपाइल रेडिकल, या हम उसको कह सकते हैं एन प्रोपाइल रेडिकल. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट अब हम इसमें से एक सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालते हैं. सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब ये वाला या ये वाला. जब हमने ये वाला निकाला तो हमारे पास रेडिकल का नाम क्या आएगा, टू प्रोपाइल रेडिकल, क्योंकि ये कार्बन नंबर टू है. इसको हम वहां से वन से शुरू करेंगे, वन टू और थ्री, या आप इधर से भी शुरू कर दो, वन टू थ्री, दैट विल बी द सेम. नेक्स्ट अब नेक्स्ट लेक्चर में आप अंडरस्टैंड करोगे कि हम इनकी नंबरिंग भी कैसे करते हैं, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, बट यहाँ पे आप जहां मर्जी से नंबर कर लो, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. सो ये बनेगा टू प्रोपाइल रेडिकल, जिसको हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल रेडिकल. ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला था तो एन प्रोपाइल, सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला तो आइसो प्रोपाइल रेडिकल. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप एन ब्यूटेन का. तो एन ब्यूटेन के अंदर जो बाहर टर्मिनल वाले दो कार्बन है दे आर प्राइमरी, अंदर वाले दो सेकेंडरी, और साइमल्टेनियसली उनके जो हाइड्रोजन है दे विल बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है, अब जब प्राइमरी हाइड्रोजन निकालोगे, ये तीन या ये तीन में से कोई भी, तो उसमें जो रेडिकल बनेगा दैट विल बी एन ब्यूटाइल रेडिकल. ठीक है, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट चेन ही रही, राइट. नेक्स्ट अब हमने यहां से सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला. जब आप सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बनेगा टू ब्यूटाइल रेडिकल, या हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सेक, सेक ब्यूटाइल रेडिकल. अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाली बात है वो ये है कि जब हमने प्रोपेन में से सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला, हमने इसका नाम लिखा आइसोप्रोपाइल रेडिकल. जब हमने एन ब्यूटेन में से सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे हमने लिखा सेक ब्यूटाइल रेडिकल. एंड जनरली बच्चों को ये समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन द टाइप्स ऑफ अल्काइल रेडिकल्स. हमने इसको आइसोप्रोपाइल क्यों कहा, इसको हमने सेक ब्यूटाइल क्यों कहा.
So let us understand one by one the types of alkyl groups or alkyl radicals. सबसे पहले N alkyl group. तो हमारे पास एक N alkane होगी. N alkane meaning एक straight chain alkane. ठीक है, इसमें से हम एक primary hydrogen को remove करेंगे और हमारे पास आएगा एक N alkyl radical. जैसे इस example में हमारे पास है N butane. इसमें ये तीन hydrogen या तीन hydrogen सब primary hydrogen है. इनमें से कोई भी एक hydrogen हम remove करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन अल्काइल रेडिकल आएगा, दैट इज एन ब्यूटाइल रेडिकल. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास है आइसो अल्काइल ग्रुप. अब आइसो अल्काइल में पहले आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए कि ये आइसो क्या है. ठीक है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको आइसो ब्यूटेन के साथ. अब ये एन ब्यूटेन है, ये आइसो ब्यूटेन है, ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो इन दोनों में फोर फोर कार्बन एटम्स है. ठीक है, इसमें सारे एक स्ट्रेट चेन में है, इसमें तीन एक चेन में है और एक ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज अ मिथाइल ग्रुप. अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये इनके कॉमन नेम्स है, आईयूपीएसी नेम नहीं है. इस वाले का आईयूपीएसी नेम तो ब्यूटेन हमने सीख लिया, इस वाले का आईयूपीएसी नेम क्या होता है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए हम इनके कॉमन नेम्स पे ही फोकस करते हैं. ठीक है, तो ये एन ब्यूटेन है जो कि एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये एक ब्रांच चेन कंपाउंड है. हम इसको आइसोब्यूटेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां पे कॉमन नेम्स होंगे वहां पे आप देखोगे कि हम ये सारे के सारे कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे. इसमें चार कार्बन है, इसमें भी चार कार्बन है, तो कॉमन नेम में ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है. ये इसके आगे एन लगा दिया तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है. इस वाले में अगर आप देखोगे तो सेकेंड कार्बन पे, चाहे आप इधर से काउंट करो चाहे आप इधर से काउंट करो, सेकेंड कार्बन पे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज CH3. ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये वाला इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये ग्रीन मार्क्ड है. तो ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एज द आइसो ग्रुप. राइट, तो जहां पे भी आपको ये ग्रुप दिखाई दे जाए जहां पे पहले एक CH3 है, फिर वाले सेकेंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं आइसो ग्रुप. और ये कार्बन वाला है इसलिए हमने इसको बोला आइसोब्यूटेन. हम आइसोब्यूटेन में से जब हम एक प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप. अब यहाँ पे अगेन हमारे पास तीन हाइड्रोजन्स हैं, तीन कार्बन्स हैं जो कि प्राइमरी कार्बन्स हैं, तो उनके साथ लगे हुए सारे हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन हुए. ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी. इनमें से तीनों में से कहीं भी किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे आपके पास सेम ही स्ट्रक्चर आएगा. राइट, तो आप ट्राई भी कर सकते हो. यहाँ पे हमने यहां से एक हाइड्रोजन निकाला है, अगर यहाँ पे एक CH3 हो आप यहां से निकालोगे अगेन दैट इज गोइंग टू बी द सेम स्ट्रक्चर, अगर आप यहां से भी निकालोगे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम स्ट्रक्चर. तो तीनों ही केसेस में कोई भी हाइड्रोजन निकालोगे दिस विल बी अ आइसोब्यूटाइल ग्रुप. नेक्स्ट मगर हम देखते हैं आइसोप्यूटेन को. आइसोपेंटेन में अब अगेन ये चार कार्बन है और एक यहाँ पे सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो आइडेंटिफाई आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई अगेन इस ग्रुप को करना है जहां पे सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. अगर ये प्रेजेंट है तो दिस इज अ आइसो ग्रुप प्रेजेंट. तो पांच कार्बन वाला मॉलिक्यूल है तो आइसोपेंटेन बन गया. अब इसमें से भी अगर हमें आइसोपेंटाइल रेडिकल बनाना है तो हमें क्या रिमूव करना है, एक प्राइमरी हाइड्रोजन को. राइट, अब प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे ये वाले कार्बन प्राइमरी है, ये वाला कार्बन प्राइमरी है, ये वाला कार्बन प्राइमरी है, तो हम इनमें से किसी को भी निकालेंगे तो आइसोपेंटाइल ग्रुप बनेगा, नहीं. लेट अस लुक एट दिस, अगर हम इनमें इसमें से या इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये CH2 हो गया, ये CH3 है. इसमें अगर हम देखते हैं तो हमने जो आइसोपेंटाइल ग्रुप में आइसो स्ट्रक्चर था उसको हमने डिस्टॉर्ट कर दिया. ठीक है, यहाँ पे ये CH2 रह गया. व्हाट इज अ आइसो ग्रुप, जहां पे ये पहले वाले पे CH3 है, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, और ये दोनों CH3 यहाँ पे प्रेजेंट होने जरूरी है. अगर ये नहीं है तो ये आइसो ग्रुप
नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से किसी भी कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेंगे, हम उसको रिमूव करेंगे ऑपोजिट साइड पे जाके। ये वाले कार्बन में से जब आप रिमूव करोगे तो ये स्ट्रक्चर हमारा इंटैक्ट रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटाइल रेडिकल। आई होप दिस इज क्लियर कि हमें एक आइसो अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और कहां से रिमूव करना है, हमेशा हम उसको रिमूव करेंगे फ्रॉम द एंड ऑपोजिट टू द आइसो स्ट्रक्चरल यूनिट। यहां पे हमेशा एक प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, बट एक एक्सेप्शन है, दैट इज फॉर द आइसो प्रोपाइल रेडिकल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस आल्सो। तो ये हमारे पास एक प्रोपेन मॉलिक्यूल है, प्रोपेन के मॉलिक्यूल में ये वाले दो कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये वाला सेकेंडरी कार्बन। इस वाले में से अगर आप कोई भी हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो आपके पास आएगा एन प्रोपाइल रेडिकल, मगर जब आप सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करोगे, एक सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, तो आप इसको देखो, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको जब हमने इस तरीके से लिखा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक CH3, सेकेंड कार्बन पे अगेन एक मिथाइल ग्रुप, सो दिस इज अ आइसो ग्रुप प्रेजेंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल ग्रुप, राइट। आई होप दिस इज क्लियर कि बाकी सब केसेस में हम एक प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे फ्रॉम आइसो स्ट्रक्चरल यूनिट, और वहां से हमें एक आइसो अल्काइल रेडिकल मिलेगा। एक्सेप्शन सिर्फ एक प्रोपेन में से, जब हमें आइसो प्रोपाइल ग्रुप बनाना है तो हम एक सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आगा नियो अल्काइल ग्रुप। तो नियो अल्काइल ग्रुप बिल्कुल आइसो ग्रुप्स के जैसे है, उसमें क्या होगा कि सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप नहीं, दो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, बाकी असेंशियली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ नियो ग्रुप, ये नियो हेक्सेन है, इसमें से एक प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास नियो हेक्साइल ग्रुप आ जाएगा। अगेन हाइड्रोजन कौन सा रिमूव करना है, प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करना है, और फ्रॉम द ऑपोजिट एंड टू द नियो ग्रुप आप रिमूव करोगे। तो यहां पे नियो ग्रुप है तो इसके ऑपोजिट एंड पे चले जाओ, आपको प्राइमरी हाइड्रोजन मिलेगा, उसको आप रिमूव कर दो, आपको नियो हेक्साइल ग्रुप मिलेगा, राइट। तो आइसो और न्यू स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आगे क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है अब सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। तो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हमें कैसे मिलेगा, जब हम एक सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे। तो हमारे पास ये एन ब्यूटेन है, प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एन ब्यूटाइल रेडिकल आया, सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप आया। प्रोपेन के केस में सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव किया था तो हमें आइसो प्रोपाइल रेडिकल मिला, क्योंकि यहां पे एक आइसो स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। यहां पे जब आप सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आइसो स्ट्रक्चर नहीं बना, इसलिए हमने इसको क्या कहा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोपेन के केस में सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करके आइसो प्रोपाइल, और बाकी सबके केसेस में जब भी आप सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप आएगा। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टर्शरी अल्काइल ग्रुप। तो टर्शरी, आई होप दिस विल बी वेरी इजी कि अब टर्शरी हाइड्रोजन एटम को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास टर्शरी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। जैसे कि आइसोब्यूटेन में प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो कोई भी को रिमूव किया तो हमारे पास क्या आया था, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अब टर्शरी वाले को रिमूव करोगे तो ये टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल आ जाएगा। आई होप परफेक्टली फाइन। अब हम ये आइसोपेंटेन स्ट्रक्चर में से ये बनाकर देखते हैं, राइट। तो आइसोपेंटेन में से अगर हमें एक आइसोपेंटाइल ग्रुप बनाना है तो हम क्या देखेंगे, ये आइसो स्ट्रक्चर को हमने इंटैक्ट रखना है, प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो ऑपोजिट एंड पे जाओ, एक हाइड्रोजन को रिमूव करो और हमारे पास आ जाएगा आइसोपेंटाइल ग्रुप। अगर हमें एक सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप बनाना है तो सेकेंडरी कार्बन देख लो, ये वाला सेकेंडरी कार्बन है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप। और अगर टर्शरी पेंटाइल ग्रुप बनाना है तो टर्शरी हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, आपके पास आ जाएगा टर्शरी पेंटाइल ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में नहीं तो आप बहुत सारियां गलतियां करोगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब एक चीज और जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो ये है
कि जब भी हम आइसो या नियो लिखते हैं तो हम आइसो और उसके बाद जो वर्ड रूट और सफिक्स हमने नेम दिया अल्केन को, उसके बीच में हम कोई भी गैप नहीं छोड़ेंगे. दिस इज लाइक हाउ वी राइट आइसो ब्यूटेन, और इफ यू हैव टू राइट अ नियो पेंटेन ऑल्सो, आप इनको जोड़ के लिखोगे, उनमें गैप नहीं छोड़ोगे. जबकि जहां पे आपके पास एन आएगा, सेक आएगा, टर्ट आएगा, इनके बीच में आपने एक गैप डाल के बीच में एक डैश डालनी है. दिस इज हाउ वी राइट देम. ठीक है, सो एन sec and tert के बीच में आपने क्या लिखना है, prefix के बाद एक dash डाल के उसके बाद alkane या alkyl radical लिख रहे हो. जबकि अगर आपको iso और neo लिखना है तो कोई भी gap नहीं छोड़ना, कोई बीच में dash नहीं डालनी. I hope this is very clear. These are very important things. ये बच्चों को generally नहीं आती और वो हमेशा इसमें गलती करते हैं, confused हो जाते हैं कि हमने ये कैसे form किए, इनके नाम हमने ये कैसे लिख दिए. और ये आपको आगे जब nomenclature करोगे branch chain compounds में तो वहां पे आपको ये use होगी. ठीक है, so finally what have you learnt over here is that the prefix sec or tert indicates that the hydrogen atom was removed as a secondary or a tertiary hydrogen. An iso group, this has a methyl group attached to the last but second carbon of the continuous chain, and neo group has two methyl groups attached to the last but second carbon, right? So this will be something very very important. सो नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें अल्काइल रेडिकल्स कौन से मिलेंगे जब हम दो हाइड्रोजन्स को रिमूव करेंगे. अगेन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे जनरली यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं. दैट इज व्हाई आई पुट एवरीथिंग फॉर यू, सो दैट कि आप हमेशा अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखें और अपने एग्जामिनेशंस में एक्सेल करें. सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स हैं. तो पहला हमारे पास जैसे मिथेन मॉलिक्यूल है, तो मिथेन मॉलिक्यूल में से हमने दो हाइड्रोजन्स को रिमूव किया. जब हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमें मिला था मिथाइल ग्रुप. दो हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हमें मिल रहा है मिथाइलीन ग्रुप. ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया इथेन. इथेन में से दो हाइड्रोजन रिमूव किए, पॉसिबिलिटी क्या है कि हम दोनों कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें या एक ही कार्बन में से दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दें. जब हम दोनों कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हम इसको बोलेंगे इथाइलीन, और जब एक ही कार्बन में से दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इसको बोलेंगे इथाइलिडीन. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास प्रोपेन मॉलिक्यूल, तो प्रोपेन मॉलिक्यूल में से जब अब हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में भी फर्क हो गया, तो अगर प्राइमरी हाइड्रोजन्स दोनों रिमूव करोगे तो ये मिथाइलीन, इथाइलीन और प्रोपाइलीन बन जाएगा. ठीक है, मगर अगर आप यहां से एक ही कार्बन में से दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये एथाइलेडीन के जैसे प्रोपाइलेडीन बन जाएगा, और अगर आप सेकेंडरी कार्बन के दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव करोगे तो अगेन ये प्रोपाइलेडीन जैसे, ये भी प्रोपाइलेडीन होगा, मगर ये कैसा प्रोपाइलेडीन होगा, ये आइसो प्रोपाइलेडीन होगा. क्योंकि अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर को इलेबोरेट फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो ये वाले कार्बन पे पहले एक CH3, तो पोजीशन नंबर 1 इज अ CH3, फिर उसके बाद सेकंड कार्बन पे अगेन एक मिथाइल ग्रुप, तो आइसो ग्रुप आ गया. आइसो ग्रुप आ गया तो वो क्या बनेगा, आइसो प्रोपाइलेडीन. सो आई होप दिस इज क्लियर. और इनके यहाँ पे कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स दोनों सेम होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली एग्जामिनेशंस में इनके नॉमेनक्लेचर्स आते हैं, सो प्लीज बी वेरी क्लियर विद दिस. So that would be all for this lecture. ये अब सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन अल्केन्स. सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे हम रूल्स बहुत सारे सीखने वाले हैं और इंटरेस्टिंग रूल्स सीखने वाले हैं. तो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, सो दैट कि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम आपके लिए नया लेक्चर पोस्ट करें, नया कोर्स पोस्ट करें. और अगर कोई डाउट्स हो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं बाय द सेम नेम H2O केमिस्ट्री, एंड ऑल्सो यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू.